आज सुबह सुबह जब हम कोचिंग गए तो हमें पता चला कि हमारी कोचिंग ऑफ रहेगी। चारों तरफ बादल छाए हुए थे, मौसम बिल्कुल घूमने वाला बन गया था और बारिश होने ही वाली थी। तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो कहीं आज घूम के आते हैं। हमने 40 रुपए की 2 टिकट ले ली और अपने बैग काउंटर पे रख के इंटर कर गए एक जू के अंदर। हुलिये पर मत जाना क्योंकि हमारा घूमने का प्लान नहीं था, इसलिए हम कुछ भी पहन के आ गए हैं। अगर हम व्हाइट टाइगर के पास जाएंगे तो वो हमें कच्चा चबा जाएगा, इसलिए यहाँ पे नकली व्हाइट टाइगर बनाया गया है जिसके साथ हम फोटो क्लिक कर सकें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश सतना जिले के मुकुंदपुर के व्हाइट टाइगर सफारी में, एंड अब हम घूमने वाले हैं, जू घूमने वाले हैं। रीवा का नाम सुना होगा तो व्हाइट टाइगर का नाम कभी ना कभी तो सुना होगा, तो हम वही व्हाइट टाइगर देखने के लिए आए हुए हैं। वैसे यहाँ पे इस जू में बहुत सारे जानवर हैं लेकिन फेमस ये व्हाइट टाइगर की वजह से है। जिन व्हाइट टाइगर्स की पहले ये धरती हुआ करती थी उसे अब एक पिंजरे में कैद करके रखा गया है और हम उसे देखने आए हैं। मुझे आते ही बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिख गई, इतने सारे फ्लावर्स वगैरह, ये बहुत क्यूट से हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं, काफ़ी मेरे घर में होते हैं। आपको ये फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं? बहुत बढ़िया लगे। पक्का? पक्का क्या? तो चलते हैं अब आगे की ओर। यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए एक छोटी सी शॉप भी है जहाँ पे हम हैट वगैरह ले सकते हैं, बट यहाँ का सामान थोड़ा सा कॉस्टली है। इंटर करते ही जानवरों को देखने से पहले हमें एक पार्क देखने को मिलता है जो अच्छा है। चलो चल के देखते हैं कैसा है, अभी तो देखा ही नहीं। रुकिए, थोड़े प्रोफेशनल बन जाए। गाइस, हम आ चुके हैं बाघ देखने। वो अंदर घुस गया, पता नहीं वो बाघ है या कुछ और है, लेकिन वो हमको और रवि को देख के डर गया और अंदर घुस गया है। जो यहाँ का फेमस है मेन मुकुंदपुर का, उसे हम देखने आए हैं, व्हाइट टाइगर। अभी फोटो में देख लेते हैं, अंदर चल के रियल में देखेंगे। एक व्हाइट टाइगर ये है, एक अंदर होगा। बिल्लो मेरा खर्चा भी सेम। रवि बोलिए, एक नजर मुझे भी देख लीजिए। आपको हम हर नजर भी देखते हैं। गाइस, आज ज्यादा टूरिस्ट आए नहीं थे, बहुत कम आए हुए। ये चीज बहुत अच्छी बनाई गई है, जो गुफा जैसे। हाँ, लड़के और लड़कियों के लिए, रोमांस के लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। अब क्या देखने चल रहे हैं सर? लायन। ओके, कौन सा शेर है मुझे खुद नहीं पता। ये देखिए गाइस, यहाँ पे खतरनाक नागिन अपने साथियों से मिलने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनकी फ्रेंड ये वाली है, ये। कैमरामैन काफी तेज है, बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, इनको काफी शौक है ज्यादा स्पीड चलने का। यहाँ पे लिखा रेलिंग पर चढ़ना प्रतिबंधित है। ए पढ़ो पहले, तुम्हारे बगल में नोटिस क्या लिखी है? नोटिस से क्या करें? उसे पढ़ो। उतरो नीचे, उतरो। अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई है, अब अपने को भीगने का चांस बढ़ चुके हैं। चलो कहीं छुपते हैं ना, बारिश होने लगी। मैं चाहता हूँ जिसको वो दिख नहीं रहा है।